नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैट यूज़र में। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन व्यू। ठीक है, सेक्शन व्यू पे कैसे काम करते हैं, तो चलिए अब हमने सर्कल लिया। ओके, डायमेंशंस मैं आपको बाद में मेंशन करा दूंगा। आई थिंक आपको शो नहीं हो रही होंगी डायमेंशंस। तो ये लिया हमने सेकंड सर्कल। मैं इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, ये मैं एक्सबॉक्स रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे रिकॉर्डर में कोई इशू आ रहा है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए बाय लेयर वाली आपको रिबन आपको शो नहीं हो रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। होप करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको दिक्कत ना आए। तो अब हम इसे सेंटर लाइन बना देंगे। ये हमारी PCD हो गई है, आई थिंक 116 की PCD है। ये PCD हो गई है, ये 116 की PCD है, 116। ये सॉलिड लाइन, अगेन वन सॉलिड, 50 डाया। ये 8 mm डाया का होल बनाएंगे हम यहाँ। एरे AR एंटर, पोलर एरे सेंटर सेलेक्ट करेंगे। तो ये 2017 ऑटोकैड है, इसमें ऐसे ही छोटे छोटे टैब्स आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप इससे ओल्डर वर्जन यूज़ करते हैं, लाइक 2014 तक का वर्जन यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको बड़ा सा एक टैब ओपन होकर दिखाता है, जिसमें आपको सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं प्रेफर यही कहूँगा, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उस पर करें, इस पर ना करें, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो हैं वो ओल्डर वर्जन यूज़ करती हैं कुछ। अगर आप बिगनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप, मैं ये कहूँगा कि आप ओल्डर वर्जन ही यूज़ करें। सो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये अब हमारे पास 4 होल हो गए हैं, तो टॉप व्यू हमारा सेट है। तो मैं अब आपको इसकी डायमेंशन सिखा देता हूँ। ओके, अब डाया का सिंबल कैसे लगाते हैं, तो एडिट डायमेंशन पे जाएं, वहाँ जाके परसेंटेज प्लस सी, अगेन परसेंटेज प्लस सी। ओके, तो डाया शो किया है इसका 8 mm डाया।
ये बिगनर्स जो होते हैं वो आई थिंक ऐसे डालते हैं, बट जो अगर आप अच्छे लेवल पे काम करते हैं तो आप ऐसे लाइन लेके लीनियर डायमेंशन यूज़ करके आप डालने में ये सजेस्ट करूँगा। देन एक्सेल एंटर, हम कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। ट्रिम कमांड टी आर, डबल एंटर। देन दोनों को सिलेक्ट करके अब हम सेंटर लाइन बनाएंगे। या बाय लेयर में जाके अपनी लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सेंटर लाइन चाहिए, हिडन लाइन चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है क्या आप ऑब्जेक्ट। ये मैं सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, कभी भी सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट के अंदर ना रहे, ऑब्जेक्ट के बाहर रहे, डिफरेंट शो होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ ना शो हो, ना वो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट बन जाएगा। मैं यहाँ सेक्शन के लिखूँगा ए, एनोटेशन लेके इस साइड को हम ए देंगे, सिंपल ए। माफ़ी चाहूँगा, आपको कुछ शो नहीं हो पा रहा है, कोई टैब शो नहीं हो पा रहा है। मैंने मूव कमांड ली, एम एंटर। ओके, अब हम कॉपी कमांड लेंगे, सी ओ एंटर। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को एडिट करेंगे। यहाँ कॉमास लगाएंगे, ए ए डैश। सेक्शन आप जब भी करेंगे, जहाँ से करेंगे वहाँ ये ए ए डैश, बी बी डैश, जो भी आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो अब मैं इसका सेक्शन व्यू बनाऊँगा। वन थर्टी सिक्स एंड हाइट है इसकी 10 mm। लाइन कमांड एल एंटर। देन हम 90 के लिए करेंगे ओ एंटर, ऑफसेट कमांड 45 by 45। ओके, 90 mm हो गया। देन हमें 50 का डाया बना है, तो 50 के लिए 25 का ऑफसेट लेंगे हम दोनों साइड, 25 25। ओके, एंड ट्रिम कमांड टी आर, डबल एंटर। जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है हम उनको रिमूव कर देंगे, भाई ये रह गई है और ये रह गई। सो एग्जिट, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि अब हम इसे सेंटर लाइन बना लें। तो ये पीसीडी है 116 डाया की।
तो 116 का के लिए अब हम ऑफसेट करेंगे। फोर का ऑफसेट, अब हम फोर का ऑफसेट किया है होल्स बनाने के लिए 8 mm डाया के। अब इतने छोटे होल्स के लिए हमें अब पहले इनको बाई लेयर में जाके सॉलिड लाइंस बनाएंगे, सेंटर लाइन में थी। देन अब हम इतने छोटे होल्स के लिए इतने बड़े तो रखेंगे नहीं, तो इनको भी हम छोटा करेंगे सेंटर लाइन को। इतना ठीक रहेगा, थोड़ा सा इसे सेंटर में ले आते हैं। बाकी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैकेनिकल के लिए ऑटोकैड ज़रूरी? हाँ, अगर आप मैकेनिकल में ऑफिस लाइन में या क्वालिटी में भी हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा हाँ आप ऑटोकैड बिल्कुल सीखें। और अगर आपका इंटरेस्ट है आगे डिज़ाइनिंग में तो आप प्लीज़। अब हम लेंगे हैच कमांड, तो ये पहले आप एक लाइन कमांड ले लें, लाइन कमांड से सबको कवर कर लें। ये ट्रिक उनके लिए है जो 2017 से पहले के वर्जन चला रहे हैं। ओके, तो आप लाइन कमांड ले लीजिए पहले। सो मैंने लाइन कमांड लेके सबसे पहले सबको क्लोज किया है, अलग अलग कम पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। ये ट्रिक उनके लिए है जो 2014 से पहले का वर्जन यूज़ करते हैं या 2014 यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आपको हैच के लिए अलग अलग करना पड़ता है सबको, बीच में एक बाउंड्री देनी पड़ती है। बट 2017 में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट कर लीजिए, वो ऑटो सेलेक्ट करता है। तो ये ट्रिक थी। हाँ, तो मैं कह रहा था ऑटो कैड अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपके लिए आई थिंक ऑटो कैड मस्ट है। तो आप, मैं ये कहूँगा हाँ ऑटो कैड करिए, बिल्कुल करिए। अगर आप अभी पास आउट हुए हैं तो ऑटो कैड बिल्कुल सीखिए। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे से सीखिए, बिल्कुल कहीं से भी सीखिए, बट सीखिए ऑटो कैड। तो अभी हम यहाँ पे हैच को एंगल दे रहे हैं, सॉरी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता ये कमांड इसमें, तो ये वाली हैच यूज़ नहीं होती है इसमें, सिंपल लाइंस वाली होती है, उस पर 45 डिग्री का हैच देना पड़ता है। तो अब हम इसकी डायमेंशन देंगे 136 डाया। तो डाया का मैंने आपको क्या बताया था, सिंबल कैसे आता है, पहले मैं डायमेंशन दे देता हूँ, जब तक आप बताओ कमेंट में कि डाया का सिंबल कैसे आता है। मुझे पता चल जाएगा कि आपने बाद में अगर कमेंट किया। ओके, तो अब डाया का सिंबल आता है परसेंटेज परसेंटेज प्लस सी, अगेन परसेंटेज परसेंटेज प्लस सी, परसेंटेज परसेंटेज प्लस सी। ओके,
यहाँ पे भी। तो ये मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। वैसे ऐसे मेंशन नहीं करते, अगर आप टेक्निकली मेंशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसे मेंशन ना करें, वो एक सर्कल समझेगा, कोई होल नहीं समझेगा। हमने यहाँ 8 mm का होल बनाया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एनोटेशन लीजिए, मीन टेक्स्ट लीजिए, देन परसेंटेज परसेंटेज प्लस सी डाया डाया 8 होल थ्रू इसका मतलब है डाय होल थ्रू नॉस फोर। ओके, तो इसका मतलब है कि होल का डाया है 8, थ्रू बिल्कुल आर पार हो रखा है, नॉस फोर मतलब 4 होल हैं। ओके, देन डायमेंशंस में जाएं, लीडर यूज करें, देने से क्लिक कर, और पीसीडी भी आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दी है। और ऐसे आप एरो पॉइंट कर सकते हैं। सो ये था आपका सेक्शन व्यू में कैसे काम। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more play.